मधुमक्खी से शहद निकालते हैं, मधुमक्खी छत्ते से जो शहद निकालेंगे, तो भाई तो चलो देखते हैं। अब वो भी दिखाओ जो हाथ में, दिखाओ ब्लॉग डालोगे कि नहीं डालोगे भाई, दिखाओ, दिखा दो एक बार। पागल है, बोलोगे घर वाले ब्लॉग देखते हैं मेरा। भाई तुम सब ना गजब हो यार, पिछला जो ब्लॉग था मैंने जो कल डाला था भाई, उसमें तुम लोगों ने बहुत गजब डाल दिया। आज निकल चुका हूँ, सुबह के बज चुके हैं 10 और वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं आ चुका है, सनी का कॉल आ गई थी तो मैं निकल गया हूँ रूम से। अब हम जा रहे हैं फिर आज मटर कश्ती करने। कहाँ जाएंगे ये तो पता चलेगा जब जाएंगे। सनी आ गया है, वेट कर रहा है, वहाँ जाने के बाद सनी से मिलूंगा, उसके बाद देखते हैं। चलो ठीक है, सनी को मिलकर दिखाते हैं। अरे भैया, नहीं भाई भाई देख रहे हो, नई नई बाइक लेके आए हैं आज मेरे पास। और सनी भाई क्या हाल है? भाई मामा के दीदी के यहाँ से बहुत कुछ लेके आए हो, तो भाई अब इसी बाइक से घूमेंगे आज। एक और भाई आ गए, हमने देखा आज सर इसमें पल्सर ही पल्सर है, सब पल्सर ही पल्सर लाए आज। अब वो भी दिखाओ जो हाथ में, दिखाओ ब्लॉग डालोगे कि नहीं डालोगे भाई, दिखाओ, दिखा दो एक बार। पागल है, बोलोगे घर वाले ब्लॉग देखते हैं मेरा। गांव जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं भाई, बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है। देखो बिल्कुल काफ़ी बड़ा पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे आराम से आके लेटे हैं। यहीं आके सनी भी लेटेगा अब दो चार घंटे। देखो घर वालों ने भगा दिया है, कहा बेरोजगार हो बाहर मरो जाके जाए। देखो अपन लोग यहीं पे लेटेंगे। अब इनका ठिकाना यहीं हो गया, अरविंद भाई का नहीं है, बस इसी का है यहाँ का ठिकाना। तो सनी भाई तो यहीं लेट हो गया बस आज से, पूरा मस्त लग रहा है। पर भाई देखो जी, हम यहाँ पार्क में आके बैठे थे, ये कुन्नगर निगम के पीछे वाला पार्क में, तो यहाँ पे एक भैया आए हैं जो कि मधुमक्खी से शहद निकालते हैं, मधुमक्खी छत्ते से जो शहद निकालेंगे, तो भाई तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे भाई ये शहद। देखो तैयारियाँ कर रहे हैं और वो ये जा रहे हैं एकदम मुँह मुँह बांध के पूरा ऊपर। काटेंगे तो नहीं? और भाई देखो ये लोग जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ कहीं ऊपर होगा छत्ता, कितना ऊपर है? कहाँ सामने छत्ता बताना भैया, देखो छत्ता दिखा रहे हैं कौन से मधुमक्खी का छत्ता है, वो देखो मैं दिखा देता हूँ जूम करके। ये सामने ये देख रहे हो, यही है मधुमक्खी छत्ता। यहाँ से भैया जाएंगे और उसमें से शहद नीचे निकालेंगे ऊपर ही निकालेंगे भैया? ऊपर ही निकालेंगे। अच्छा भाई ऊपर जाके शहद निकाल के आएंगे, सिर्फ बाल्टी में सीधे छत्ता निकाल लाएंगे पूरा छत्ते का। अरे वाह, और मधुमक्खी यहाँ से फिर ये उड़ जाएंगी और इधर नहीं आएंगी नीचे? तो भाई हम जा रहे हैं, अगर आ गई नीचे तो शहद लेने कह रहे हैं भैया। ठीक ठीक, अगर शहद लेने की जरूरत होगी शहद बता देंगे भाई। जैसे कि भैया ऊपर चढ़े थे तो ऊपर देखो धुआं, आग लगा ली उन्होंने, धुआं निकल रहा है। अब अभी सारी जो मधुमक्खियां हैं वो वहां से भाग जाएंगी, धुआं आग से शायद भाग जाते हैं। क्यों सनी? आग इसलिए जला रखा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। आग से शायद मक्खियां भी भागेंगी, ठीक है। छत्ता जब खाली हो जाएगा उसे निचोड़ लेंगे। हाँ तो अभी देखो, अभी वो जैसे ही अभी मधुमक्खी भैया देखो लोग भाग रहे हैं, धीरे धीरे दूर आ गए हैं सारे लोग। अभी मधुमक्खी बाहर चले आए, बाहर इसलिए चले आए क्योंकि अंदर भाग पता चले कि काट ले। भाई देख लो आज फिर बारिश हो गई, इंद्र देवता लखनऊ में बहुत मेहरबान है। हाथ मेरे सारे व्यूअर जानते हैं ये लड़की का हाथ है, मेरे सारे व्यूअर बता दो कैसे जान पहचान जाते हो ना लड़की का हाथ है या लड़के का। मेरे जो सब्सक्राइबर है ना सब ठरकी हैं, ऐसा नहीं है भाई, बढ़िया सब्सक्राइबर है। देख लो भाई बारिश बहुत मेहरबान है इंद्र देवता यहाँ पे, भाई मज़ा आ रहा है। और ये दिखा देता हूँ मैं तुम्हें भाई। अच्छा ये सही सही बताना भाई, ये शकल से चोर लग रहे हैं? अगर कमेंट बताओ अगर शकल से चोर लग रहे हैं, जूम करके दिखा देता हूँ भाई। भाई लग तो रहे हो मुझे नहीं लग रहा है, शरीफ इंसान लग रहा है भाई मुझे एकदम। ये लग रहा है भाई, इसने दिल चुराया है। ये चोर लग रहा है, इसने दिल चुराया है, बहुत बड़ा चोर है। किसका चुरा लिया? अरे है एक है, अरे वो लड़का है यार, लड़कों का चुरा लेता है मतलब कुछ भी। अरे हमारे सोनू भाई कुत्ता है। देखो भाई परेशान हो गया भाई, कमेंट करके जरूर बताना भाई, अगर सबकी जेन्युइन कमेंट आई तो भाई को मैं पढ़ाऊंगा किसने क्या बोला है। ठीक है भाई, भाई बताओ सही बताऊं क्या आपको वायरल किया जाए? भाई शाम को बारिश आ रही होने के बाद मौसम जो हो जाता है ना इतना औसम हो जाता है भाई। और हमारे साथ है कौन? अनिकेत। अनिकेत भाई मौसम देख रहे हैं कितना मस्त है,
मौसम तो बढ़िया है ही, साथ साथ अनिकेत भाई तो और ज़्यादा अच्छा है। कल की पार्टी भाई, इन लोगों ने पार्टी की, अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ ना भाई, जिस जिस जो जो भाई देखना चाहता ना वो कल वाली की पार्टी, तो सारे लोग मेरा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, स्टोरी देखो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें जो तो इस उन्होंने मज़े काटे हैं भाई जो कल बर्थडे पार्टी में। तो भाई कल कितना चला था सामने देखिए भाई, फास्ट फूड का कितना ज़्यादा क्रेज है, लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। शनि मंदिर के बगल में फास्ट फूड की लाइन जो लगती है ना भाई, भीड़ ही भीड़ है यहाँ पे कितनी ज़्यादा। और ये अपने टपलू भाई की दुकान, यहाँ पे जरूर चाय पिए, एकदम नंबर की चाय पिलाते हैं भैया। ये अंधेरा है भैया, लाइट चली गई क्या, लाइट नहीं आ रही है क्या? लाइट बंद है भैया, ट्रांसफार्मर चल गया है। यहाँ के नगर सेवक जो है, यहाँ के जो क्या बोलते हैं पार्षद, पार्षद जो है, तो टपलू चोट लग गया उनको मालूम है। क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? यहाँ के नगर सेवक बहुत बेकार है। अच्छा। रोड का देखिए काम नहीं करा है, लोग फुटल से गिर रहे हैं, किसी की कमर टूट रही है, किसी के पैर टूट रहा है। ये हमारे टपलू भैया की वो है कंप्लेंट, वो भाई जल्दी से जल्दी इसको सॉल्यूशन करे। पिताजी गिर गए नाली में सुबह, उनका सिर फट गया, चोट लग गई यहाँ। अच्छा, ये दुख काहे खत्म नहीं होता भैया यार, लाइक तो लाइट चली जा रही है, पानी की बारिश नहीं हो रही थी तब दिक्कत, बारिश हो रही है तब भी दिक्कत, क्या किया जाए बताओ यार। गर्लफ्रेंड थी तब भी दिक्कत नहीं। अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं है भाई की, गर्लफ्रेंड नहीं है कोई, वो तो बता नहीं क्या, दिखा चेहरा दिखाओ सही से इसके पास तो तीन चार है भाई, नहीं भाई। पढ़ने वाली किताब है, तीन चार है इसके पास। तो गाइस वीडियो को पूरा देख लिया, ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, क्योंकि अब टाइम हो चुका है रात के 11, और मुझे एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके उसमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। तो लाइक से सब्सक्राइब से दबा के शेयर कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।